ओलंपिक में मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स इवेंट में कोरिया को हराकर एक और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया और भारत देश को दूसरा मेडल दिलाया। इस जीत के बाद फरीदाबाद स्थित उनके निवास पर मनु भाकर के माता पिता जहां बेहद खुश नजर आए, वहीं समिति के लोगों ने भी वहां पहुंचकर ढोल नगाड़ों की थाप पर उन्हें बधाई दी। मनु भाकर की मां ने बताया कि आज सुबह से ही वो लगातार पूजा पाठ कर रहे थे और मनु भाकर और सरबजोत के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज बहुत खुशी का दिन है, मनु भाकर सरबजोत की जोड़ी के साथ मेडल जीतने में कामयाब हुए। हम लोगों ने जल्दी से सब काम किया, खाना खाया, बैठे भगवान की भक्ति में लीन थे, क्योंकि जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था तो मनु की पिस्टल में जो गड़बड़ आई थी वो मंगलवार को ही आई थी। तो आज मैंने कहा कि भगवान आज आपकी भी परीक्षा का समय और हमारे तप का आज परिणाम आपको देखना कि आज हम क्या करेंगे। तो सच्ची में आज हनुमान जी ने जो शक्ति बच्चों को दी है, सर्वजोत और मनु को, वो काबिले तारीफ है। तो जिंदगी में मैंने ये अनुभव किया कि शक्ति है दुनिया में जो आज बच्चों को मतलब यहाँ तक पहुंचा है उन्होंने। तो हमारी जो श्रद्धा, हम चारों हमारी फैमिली में, जैसे मेरे पति, मैं, मेरा बेटा और मनु, हम हनुमान जी के बड़े भक्त हैं। हम अपनी पूजा करते रहते हैं, मैं हर रोज बच्चों को बोल के, अभी तो जैसे उनकी हैबिट होगी, हर रोज हम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और मैं सुबह 4:30 बजे उठ के, जब से मनु ने ट्रायल करी है, मैं पूरे साल से, मैं पूरा जनवरी से लगी हुई है तप करने की। भगवान मुझे वो फल अब की बार निष्फल मत करना, फल जरूर दे देना मेरी बेटी को। चाहे मुझे अंगारों पे चलना पड़े मैं चलूंगी, चाहे मुझे कांटों पे चलना पड़े मैं चलूंगी, बट मेरी बेटी को निराश करके मत भेजना। तो आज वो नहीं, मैच नहीं देखा, हम लोग वही तप कर रहे थे, जब मेरे नेबर ने आके मुझे बताया कि मनु जीत गई है, तब मैं उठ के आई हूँ। दोनों हस्बैंड वाइफ ने अच्छे से उसके बाद टीवी हमने चलाया है, उसके बाद मैंने मनु को देखा टीवी पे। तो मेरी खुशी इतनी थी कि मैंने कहा मेरे पति को कि पानी दे दो, नहीं तो शायद आज मेरे अंदर हार्ट फेल होगा, मेरा ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा था। तो इतनी खुशी, खुश हूँ आज मैं कैसे बताऊं आप लोगों को। मैं दोनों बच्चों के लिए सुबह से प्रेयर कर रही हूँ कि एक अकेली मनु से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सर्वजोत का भी स्ट्रॉन्ग होके खेलना बहुत जरूरी है। वही मनु के पिता ने बताया कि वो किसी का फोन आज नहीं उठा रहे थे, जब पदक जीतने की खबर मिली तो उन्हें सांस में सांस आई। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया। हाँ हाँ, मैं 12 साल से भारत को ओलंपिक में शूटिंग में पदक नहीं आया था, तो हमने भगवान को कहा था कि परीक्षा, कुंभ का मेला भी 12 साल में आ जाता है, तो इतनी परीक्षा ना लो बच्चों की, और अपना आशीर्वाद बनाए रखो। अब ये ऐसा करने वाली, हाँ वो भी अभी आपसे पता चला कि मनु ने इतिहास रचा है, उसके लिए भी मनु को भी कॉन्ग्रेचुलेशन और पूरे देशवासियों को भी, कि इस तरह से मनु ने किया, आगे आने वाले टाइम में और बच्चे भी करें। आपको बता दें कि सरबजोत सिंह और मनु भाकर दोनों की जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रच दिया। भारत की मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में ओह ये जिन और ली वोनहो की कोरिया जोड़ी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता और मनु भाकर एक ही ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।